मेरा परिचय, मैं कांग्रेस से हटके आपको बता रहा हूँ। हमारे लायक जो सेवा होगी तो सरकारी हमारे लायक सेवा करेगी, जो हमें जिम्मेदारी देगी, हम मजबूती के साथ, समाज के साथ, नई ब्राह्मी के साथ। यहाँ पुलिस लाइन में गिरफ्तार करके लाए गए गुर्जर समाज के लोगों ने पंचायत की, और उसमें तीन प्रस्ताव पास हुए। पहला कि जो सम्राट मीरभोज की मूर्ति दादरी में लगी है उसको गंगाजल से धोकर पवित्र किया जाएगा। दूसरे, उसके शिलापट पर जो गुर्जर शब्द मिटाया गया है उसको पुनः बनवाकर जिसमें गुर्जर लिखा हो उसे लगाया जाएगा, या तो प्रशासन लगाए नहीं तो गुर्जर समाज के लोग स्वयं लगाएंगे। और तीसरा प्रस्ताव ये पास हुआ कि गुर्जर समाज आगामी चुनाव में 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करेगा। इस पंचायत की अध्यक्षता हरियाणा से आए हुए राष्ट्रीय गुर्जर समन्वय समिति के अध्यक्ष आदरणीय अंतरम तंवर जी ने की, और इसमें जो हरिद्वार सहारनपुर से लेकर आगरा तक और हरियाणा राजस्थान दिल्ली तक के गुर्जर समाज के लोग उपस्थित थे। और ये काफ़ी बड़ी पंचायत पुलिस लाइन के अंदर पुलिस की कस्टडी में हुई।